हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ओवरव्यू के बारे में। कंप्लीट हम वॉक थ्रू करेंगे डैशबोर्ड का। इसके अलावा हम ये देखेंगे थीम्स और प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लस डैशबोर्ड में जितने भी ऑप्शंस आप देखते हो, मीडिया, पोस्ट, पेजेस, यूजर रोल, हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये रहा मेरा वर्डप्रेस। अब मैं आपको वर्डप्रेस का ओवरव्यू दे देता हूँ। पहला काम आपका हो गया सी पैनल से वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करना। सी पैनल से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना आपका पहला स्टेप हो गया। कैसे करना मैंने आपको बताया, मेरा हो गया वर्डप्रेस को इंस्टॉल हो गया। सेकंड स्टेप मेरा क्या है, थीम्स और प्लगइन्स को जानना। ठीक है, थीम्स और प्लगइन्स को जानना। थीम्स और प्लगइन का ऑप्शन कहाँ मिलेगा ये देख लो। अपीयरेंस के अंदर इन द लेफ्ट साइड बार यू कैन सी अपीयरेंस ऑप्शन। अपीयरेंस के अंदर थीम्स पे क्लिक करो। ठीक है, अपीयरेंस के अंदर थीम, अभी आप देख रहे हो 2020। अभी मेरा वेबसाइट का फ्रंट एंड कैसा है, फ्रंट एंड मतलब जो यूजर को दिखेगा, यूजर को तो ये दिखेगा ना, ये दिखेगा, अब मेरा ये दिख रहा है। ठीक है, अपीयरेंस के अंदर थीम में अभी क्या है, 2020 थीम एक्टिवेट है, एक्टिव है। मैं यहाँ पे सिनाटारा थीम को एक्टिवेट कर देता हूँ, आपको मैं दिखा दूंगा, प्रैक्टिकली मैं दिखा रहा हूँ थीम क्या होती है। एक्टिवेट किया, अब मैं अपने पेज को कर रहा हूँ रिफ्रेश। अब आप देखो इसका कंप्लीटली लेआउट चेंज हो गया। ये देखो सिनाटारा थीम का लेआउट चेंज हो गया। अगला मैं कोई 2021 थीम है, इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, और भी बड़ी सारी थीम होती है। ठीक है, ये देखो एक्टिवेट कर दिया, आप देख रहे हो लेआउट बदल गया। मतलब थीम क्या है, थीम इज जस्ट अ लेआउट। थीम आपका क्या है, लेआउट, आपके वेबसाइट का लेआउट, लुक एंड फील, ये क्या है, थीम आपको बताती है आपके वेबसाइट की थीम जैसी होगी आपका लुक एंड फील। अगर आप देखो कुछ थीम होती है जो होती है निश स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल You want to create a website related to property. तो specific property के related themes होती है, property की themes होती है। You अगर आपको e-commerce की related website बनानी है, तो e-commerce specific themes होती है। ठीक है, themes होती है। इसके अलावा कई होती है multi-purpose themes होती है, कई multi-purpose themes, multi-purpose themes होती है, कई multi-purpose theme क्या होती है, multi-purpose theme माने कि जो ऑलराउंडर थीम होते हैं, प्रॉपर्टी के लिए भी ये चल जाएगा, ई-कॉमर्स के लिए भी ये चल जाएगा, सबके अलग अलग अलग। ठीक है, सिर्फ थीम इतनी है, इतनी नहीं है, तुम ऊपर जाके ऐड न्यू ऑप्शन है, ऐड न्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये देखो तुम्हारे सामने वर्डप्रेस में इतने सारे थीम का ऑप्शन है। ये देखो ये सारी है फ्री थीम आपको जो ऑफर कर रही है, यही सारी है फ्री थीम, ये देखो सारे फ्री थीम है। इसके अलावा पेड थीम भी होती है, पेड थीम के लिए आपके पास ऑप्शन है, ये देखो सारी फ्री थीम्स है। ठीक है, इसमें कई ऑप्शन, इसके मोस्टली ऑप्शन आपको फ्री दिखेंगे, कई ऑप्शन होंगे जो आपको पेड दिखेंगे। ठीक है, कई वेबसाइट होती है elements.inventor.com, थीम फॉरेस्ट, ये क्या है, थीम्स के मार्केट है जहां से आप थीम्स और प्लगइन्स को परचेज कर सकते। ठीक है, इसमें सिर्फ थीम और प्लगइन नहीं, कई सारे HTML के टेम्पलेट वगैरह भी मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग हमें वर्डप्रेस की तरफ हमें ध्यान देना, वर्डप्रेस पे पैनल पे जाएंगे, थीम फॉरेस्ट, इन्वेटो एलिमेंट्स, ठीक है, इन्वेटो एलिमेंट्स, इन्वेटो मार्केट्स, ठीक है, और थीम फॉरेस्ट, ये क्या है, थीम्स के पैनल है जहां से आप प्रीमियम थीम को परचेज कर सकते हो। एवरेज $69 की है, $39 की है, $59 की है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ये होते हैं हमारे थीम्स। अब आते हैं प्लगइन्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ प्लगइन्स क्या होते हैं। अगर आपको अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप का फीचर चाहिए, ठीक है, आपको अपने मोबाइल में व्हाट्सएप का फीचर चाहिए, आप क्या करोगे, ऐप डाउनलोड करोगे। आपको अपनी फेसबुक चाहिए तो फेसबुक का ऐप होगा। आपको क्या चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, इंस्टाग्राम का ऐप होगा। कोई टेलीग्राम चाहिए, टेलीग्राम, मतलब क्या है, एक तरह से फीचर्स ऐड कर रहा है आपके मोबाइल में। ठीक है, उसी तरह से आपका काम होता है इन सब का प्लगइन्स का। प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करते हैं आपके वेबसाइट को। फॉर एग्जांपल आपको अपनी वेबसाइट में कहीं कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म तो उसका प्लगइन है। फॉर एग्जांपल आपको अपनी वेबसाइट में व्हाट्सएप का बटन लगाना है, प्लगइन है। आपको अपनी वेबसाइट पे लाइव चैट लगाना है, प्लगइन है। आपको अपनी वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, मतलब एक वर्डप्रेस वेबसाइट को ई कॉमर्स बनाना है, तो उसके लिए वूकॉमर्स नाम से फेमस प्लगइन आता है। ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा था WP एडमिन से दुनिया भर की वेबसाइट सारी वर्डप्रेस वेबसाइट से करोगे। अब ये बताओ वर्डप्रेस में लाखों वेबसाइट है, हजारों, लाखों, बिलियंस, करोड़ों में वेबसाइट है, तो सारी क्या WP एडमिन से खुलेगी, नहीं, सभी उससे नहीं खुलेगी। हम इस WP एडमिन को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे WP केशव डिमरी, इससे हमारा वर्डप्रेस लॉगिन पैनल खुले, वो चीज हम कर सकते हैं। उसका क्या है, प्लगइन है, मतलब आपको जो भी फीचर चाहिए उसका क्या है, प्लगइन है। कोई स्कूल की वेबसाइट बनानी है, उसका प्लगइन है। ठीक है,
प्लगइन एक तरह से आपके वेबसाइट को एक्स्ट्रा फीचर देता है। थीम क्या है, लेआउट है, प्लगइन क्या है, फीचर है, लिख लो, लिखना चाहो, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको, लिखना चाहो लिख लो। थीम क्या है, लेआउट को डिफाइन करता है, प्लगइन क्या है, एक एक्स्ट्रा फीचर देता है, ठीक है। अब मैं आता हूँ वापस, ये देखो अब क्या है, अलग अलग थीम है, पेड और फ्री दोनों है। मैं आपको पेड थीम पे बताऊंगा, पेड थीम पे कैसे करना है, कुछ एक पेड थीम भी है मेरी, वो मेरी आपको मैं मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में आप जाकर देख लो, ठीक है। पोस्ट आपने देखा होगा डैशबोर्ड में सारे नोटिफिकेशन होगी, अगर कोई भी प्लगइन्स का अपडेट होगा, पोस्ट का, थीम का अपडेट होगा, आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगी, ठीक है। पोस्ट आपने देखा होगा हर एक वेबसाइट में ब्लॉग का सेक्शन होता है, ब्लॉग, रीसेंट पोस्ट, ये सारे सेक्शन होते हैं। कोई भी रीसेंट एक्टिविटी के लिए आपके पास पोस्ट का सेक्शन होता है, आप यहाँ से पोस्ट को देख सकते हो, ठीक है। रीसेंट एक्टिविटीज के लिए पोस्ट का सेक्शन हो, आपने देखा होगा हमारे नई ब्लॉग, हर जगह मतलब ब्लॉग्स का सेक्शन देखा ही होगा, ठीक है। ब्लॉग्स का सेक्शन आपने हर जगह देखा ही होगा, जो भी रीसेंट एक्टिविटीज हुई है। मैं आज जैसे मेरे न्यूज की वेबसाइट है, न्यूज की वेबसाइट में डेली डेली आते रहते हैं ब्लॉग्स, तो क्या था ब्लॉग्स। अब ये होता है ब्लॉग्स और पेजेस को एक तरीके से ही बनते हैं, ऐसी बात नहीं ब्लॉग और पेजेस एक तरीके से नहीं बनते हैं, ब्लॉग और पेजेस को डिजाइन करने का तरीका एक ही है, बट पेजेस होते हैं जो स्टेबल रहते हैं, कभी भी हम जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम पेज पे नहीं डालते, वो या फिर जो भी नोटिफिकेशन होती है या जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो पेजेस पे नहीं डालते, होती है ब्लॉग्स में डालते हैं, ठीक है। पेजेस लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जो भी ब्लॉग्स होते हैं वो रिसेंट होते हैं, ऐसी बात नहीं ब्लॉग्स डिलीट हो जाते हैं, हमारे पास ही रहते हैं, लेकिन जो भी रिसेंट एक्टिविटीज के लिए ब्लॉग्स रहते हैं, ऐसे हम डिस्कस करेंगे ब्लॉग के इंपॉर्टेंस को, ठीक है। कमेंट ब्लॉग पेज के नीचे आप खासियत देखोगे, कमेंट का सेक्शन होता है, ठीक है। मैं तुम्हें एक बाय डिफॉल्ट जब भी तुम्हारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा हेलो वर्ल्ड नाम से एक ब्लॉग होगा ही होगा, ठीक है। ब्लॉग के नीचे कमेंट का सेक्शन होता है, ठीक है, ये ब्लॉग के नीचे मिलेगा, पेजेस के नीचे नहीं मिला, ये भी फायदा होता है, ठीक है। मीडिया आपके वेबसाइट की सारी इमेजेस, मीडिया, लाइब्रेरी सारे कहाँ होते हैं, इसमें ही होते हैं, ठीक है। आपके वेबसाइट की सारी इमेजेस, वीडियोस, आप पीडीएफ फाइल, ये सारी जो भी होगी इस पे ही है, मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट हमें कम से कम इमेजेस को यूज करना है, कैसे करेंगे वो डिस्कस करेंगे या फिर इमेजेस के क्या साइज को लेना वो आगे की बात है, ठीक है। लेकिन आपके वेबसाइट की इमेजेस वगैरह मीडिया फाइल्स में होगी। कमेंट आपके ब्लॉग के नीचे कमेंट का सेक्शन होता है। अपीयरेंस के अंदर तुम्हें थीम मिल जाएगी जहां से तुम अपने वेबसाइट के लेआउट को डिफाइन कर सकते हो, बाकी ऑप्शन भी है, मेन्यू जहां से आप मेन्यू बना सकते हो, मेन्यू बार होता है। प्लगइन्स फीचर ऐड कर लो। यूजर्स अब आपकी वेबसाइट लाइक अमेजोन जैसी वेबसाइट है, अमेजोन जैसी वेबसाइट है और किसी को मान लो कोई चेंज करना है अपनी वेबसाइट पे, फ्रंट पेज चेंज करना है, ठीक है, तो क्या आप सबको अमेजोन का एक्सेस दे दोगे, एक बड़ी अपनी बड़ी वेबसाइट का एक्सेस दे दोगे, नहीं दोगे, क्या करोगे आप उसमें अपने यूजर्स को डिफाइन कर लोगे, अलग अलग यूजर्स बना लोगे, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे भी, आप यूजर्स बना लेना अलग अलग, जिसको जो आप ये बताओ एक स्कूल का टीचर है, क्या उसे स्कूल के फाइनेंस से लेना देना है, स्कूल के फीसिस से लेना देना, नहीं लेना देना, तो आप क्या करोगे उसका अलग से यूजर बना दो जो सिर्फ स्कूल के फाइनेंस को मैनेज कर रहे, ठीक है, या जो स्कूल के सिर्फ टीचर को मैनेज करे। टूल्स, टूल्स में आपके होते हैं कुछ फीचर्स होते हैं और सेटिंग्स में कुछ फीचर होते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन आप जरूर कर लेना, सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का आपके तीन स्टेप्स होंगे, क्या होंगे, थीम को डालना और प्लगइन को डालना, ठीक है। थीम और प्लगइन क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप होगा सेटिंग्स में आने के बाद रीडिंग्स में आना, ठीक है। लेफ्ट साइड में सेटिंग्स, रीडिंग्स, रीडिंग्स में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में रीडिंग, यहाँ पे आना डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग, इसको सेव कर देना। एसईओ में बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या, अभी आप ये समझ लो, इसको ऑन कर देना सेटिंग्स के अंदर, रीडिंग्स का ये ऑप्शन होगा, लिखना चाहो सेटिंग्स के अंदर रीडिंग्स। तो इस वीडियो में हमने कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप देखा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ओवरव्यू के बारे में, प्लस मैंने आपको थीम्स और प्लगइन्स के हर एक कंसेप्ट को बताया। इसके अलावा हमने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जितने भी ऑप्शंस होते हैं जैसे कि पोस्ट, पेज, मेन्यू, हर एक ऑप्शंस को देखा। एक चीज मैं लास्ट को जरूर कहूंगा कि जो सेटिंग्स मैंने जो लास्ट में बताया, सेटिंग्स के अंदर, रीडिंग के अंदर डिस्करेज वाले ऑप्शन को टिक रखना, जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाए, जब आपकी वेबसाइट में सारे चेंजेस हो जाए तब जाके उसे अनटिक कर देना, क्योंकि हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी गलत चीज है गूगल पर इंडेक्स ना हो, ठीक है। तो बेसिकली हम एसईओ में डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, अगर आपको कोई डाउट रहते हो या आपके ये डाउट होगा कि वर्डप्रेस को सी पैनल से कैसे इंस्टॉल करें, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हो। अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियोज में।